अच्छा, अगर उसको कोई चीज चाहिए, मान लीजिए अगर 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का उसको अगर बोलना नहीं आता है तो फिर भी वो अपनी चीज पाके रहता है, हाउ? इशारों के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना किसी भाषा का प्रभुत्व है, भाषा आती ही नहीं है, फिर भी हम किसी, मान लीजिए कि एक किसी म्यूजिकल शो में जाते हैं, शो में जाने के पहले तो जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो क्या वो स्टेज पे आने के बाद तुरंत ही शो को शुरू कर देते हैं? जैसे वहां पे आएंगे टांग टोंग टंग 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 चलता रहता है, उसको क्या कहेंगे? ट्यूनिंग, इट्स अ वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो अगर मान लीजिए कि बिजनेस एक बेर है, उसकी जड़े अगर एथिक्स है, कैपिटल है, एक व्यक्ति का विचार है, तो उसके ब्रांचेस अलग अलग है, बिजनेस एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, और उसका एक फल होता है सेल, जिसके जरिए पूरी कंपनी रन होती है। तो उसी फल और ब्रांचेस के बीच में एक वर्ड है, एक अहम वर्ड, दैट इज कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन ग्लोबल मार्केट, तो इसी टॉपिक को लेकर हमारे बीच में आए आज हमारे अपने डॉक्टर तुषार रेड्डी जी। तो आज का उनका जो टॉपिक है, उन्होंने जो टॉपिक कवर किया है उसमें कम्युनिकेशन इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, सेकंड कीज टू मेक इट इफेक्टिव, क्वालिटीज एंड टूल्स रिक्वायर्ड, स्टेप्स इन्वॉल्व, टाइम फ्रेम एंड पैरामीटर्स टू मेजर इट, एंड सिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइंट इन अवर वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, एंड सेवन डेलीगेटिंग द टास्क एंड बिहेवियर। सो तुषार जी काफी सालों से ट्रेनिंग के फील्ड में है, ही इज अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर, पीपल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट हेल्थ कंसल्टेंट। तो हम लोग उनका जोरदार ताली स्वागत करते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट फॉर प्रमोद जी, ओवर टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स in this new financial year and this new year, I wish you all the best and prosperity so that your balance sheet, your accountant should go haywire. That is my only best wish for all of you. I was very sick. तो मैंने एक मैसेज छोड़ा था यूनिवर्स में, मतलब मेरे को ये नए साल की जो शुरुआत है ना वो कहीं ना कहीं मेरे से होनी चाहिए, आइदर ट्रेनिंग और कहीं मतलब कोई बुलाए, मतलब या तो मैं पहुंच जाता हूँ, दो ही ऑप्शन होते हैं, मतलब समवेयर आई सेटिस्फाई कि नहीं मैं नए साल पे कहीं शुरू हुआ। और इस बार ऐसा हुआ कि योगानो योग कल इट स्टार्टेड 11-12 बजे अपना बात हुआ, क्योंकि तुषार से बात हुआ था वो कुछ पोस्टपोन हो गया। तुषार जी को बोला, तुषार जी आपको आना है, आएंगे ये नहीं पूछा। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ, मैंने बोला भले मैं ऑप्शन, मतलब मेरे को मत पूछना, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मैं ना बोलूंगा तो आप किसी और को ना बोलोगे ना, तो मेरा आप कंसिडर ही करना कि मेरे पे आके स्टॉप ही हो जाना, क्योंकि प्रमोद जी का यूएसपी है कि मैनेज कहीं से भी हो जाता है, तो वो बीच में फिट होना बहुत जरूरी होता है। There is a latest book which I am highly inspired by, and trust me, I don't have any royalty rights for that, या मेरा कहीं कुछ उसमें percentage नहीं है, but वो एक book ऐसी है कि उसका जो title है ना वो बहुत strong है, एकदम layman title है, और वो title इतना strong है, it is a must for everybody. Everybody मतलब right from students till people like us as entrepreneurs. और book का title सुनके आपको लगेगा और चेहरे पे smile आएगी आएगी, वो guarantee. और उसके अंदर के कंटेंट्स पढ़ोगे या इफ यू गो बाय अ लिटिल बिट अहेड इन द बुक यू विल कम टू नो कि व्हाई दैट बुक इज इंपॉर्टेंट। अब आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दैट, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम आउट विद दैट बुक, उसमें सारे उनके लोगों ने अपने इनपुट्स दिए हैं। बट वन रीजन व्हाई आई लव दैट बुक इज टू थिंग्स, द कंटेंट एंड नंबर वन द पर्सन एसोसिएटेड मिस्टर सैम पिट्रोडा। ओके, नेम ऑफ द बुक इज जुगाड़। बोला स्माइल तो आई जाएगी चेहरे पर, अभी चल रहा है उसी के ऊपर सब, ठीक है। सो जस्ट टू स्टार्ट ऑन,
बहुत लोगों ने मेरे से बात की थी. आई विल बी क्लबिंग अप इंग्लिश एंड हिंदी. आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल. यस 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 फैंटास्टिक. 90% 95% हिंदी. देखो स्पेसिफिकेशंस आते हैं तो मजा आता है. हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन टॉपिक इसे करना ही पड़ेगा. स्पेसिफिक सर, एकदम स्पेसिफिक. सो सर ने एक शायरी शुरू की थी. तो देखो जब हस्बैंड वाइफ का आता है ना तो दो चीजें होती है, या तो आपकी दुखती रख होती है वहां पे, या तो कोई हाथ रख देता है, या तो अपनी व्यथा कहीं ना कहीं निकालने का होता है. तो मेरे दिमाग में एक किस्सा ऐसे याद आ रहा है, तो आई विल जस्ट शेयर इट विद दैट. तो ऐसे ही वाइफ ने फोन किया घर पे अपनी मम्मी को, नॉर्मली जो करते हैं ठीक है. तो बोले सर ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया मेरा बहुत बड़ा, और अब मेरे से मतलब अब मुझे ना इनको सबक सिखाना है, नीड टू टेक सम कॉल. अब तो इस बार ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि ही शुड रियलाइज माय वैल्यू माय इंपॉर्टेंस. अब इस बार बोले क्या हुआ क्या, बोले तू शांत हो जा पहले. बोले नहीं इस बार मेरे को बहुत मतलब आई हैव गॉन थ्रू, मुझे अभी मेंटल स्ट्रेस आया थोड़ा, मतलब मेरा टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हो गया ना. अब मेरे को बदला लेने का मूड है, मतलब अब मैं लेट गो नहीं करूंगी. बोले अच्छी बात है, यू आर कल्टिवेटिंग माय क्वालिटीज, बट हुआ क्या मुझे पता. और क्या तो शी एक्सप्लेन नहीं मैं भी. बोले ऐसा ऐसा है, बोले ये सब 2-3 महीने से चल रहा है, मैंने बहुत समझाया ये पर मानते नहीं है. बोले नहीं मैं सब करता हूँ सब, तुम टेंशन मत लो. तो बोले तुमने क्या सोचा है. बोले मैंने ये सोचा है अभी कि हर बार मैं जाने देती हूँ 2-3 दिन लूट के रहती हूँ ये करती हूँ, इस बार मैं घर छोड़ के जाऊंगी. लेट हिम मैनेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन. मैं 2-3 महीने का टॉर्चर लेके आई हूँ ना, नाउ लेट हिम मैनेज फॉर 2-3 मंथ्स. पता तो चले अकेले जिंदगी कैसे निकालते, सब मैनेज करना पड़ता है, मोजे सॉक्स ये वो सब अपने आप ढूंढने दो उनको. बोले नहीं बेटिया अभी युग चेंज हो गया है, एक काम कर तुझे 3 महीने का टॉर्चर हुआ है ना, तेरे को सही में बदला लेना है, तू घर मत छोड़, मैं तेरे वहां आती हूँ, आई विल स्टे देयर फॉर यू. पहले के तरीके अभी जो हम वीडियो देख रहे थे, मैं इसलिए ध्यान से देख रहा था कि व्हाट द गर्ल वाज टेलिंग. अभी देखो उसकी बात करने में बहुत संजीदगी थी ठीक है. द पॉइंट्स दैट शी वाज हाइलाइटिंग, वो जो जो चीजों पे गौर करवाना चाहती थी हमको कि इस पे आप ध्यान दो. हम नहीं देते क्योंकि हम हमारे एक प्रॉपर अपने जो प्रोटोकॉल जो होते हैं, हम अपने शेड्यूल में इतने व्यस्त है कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है. अनटिल अनलेस इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अस. वो बोलते हैं आग लगती है सब जगह, लेकिन जब तक आप वो आग की फ्लेम जब तक महसूस करना नहीं शुरू करते ना, तब तक आपको ऐसा ध्यान नहीं जाता है कि अरे यार अब शायद आग मेरे तक पहुंच रही है. देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो आज हम शुरू भी इसी पॉजिटिव नोट पे कर रहे हैं. मेरा जो हमेशा से एक प्रॉमिस रहता है, या मैं जो डिक्लेयर करता हूँ, वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज बोलो, वन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ बोलो, या एक जीवन जीने का अंदाज बोलो, कि जब आप डिक्लेयर करते हो और जब आपके साथ मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि नहीं ये मैं कुछ करूंगा, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके स्थान पे आ जाता है क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती है. तो एक चीज क्लियर करता हूँ कि यहाँ से जब जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके जाओगे ठीक है. अब कौन कितना क्या, लेट अस नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटी. हम पैरामीटर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना सुबह अर्ली मॉर्निंग आए हैं ठीक है, काम छोड़ के आए ऐसा तो नहीं कहेंगे, बट एक टाइम एक इतना बड़ा एसेट है जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी में, तो जाते कुछ लेके जाए ना तो अच्छा लगता है, एक तसल्ली रहती है कि यस वी लर्न समथिंग. कहाँ पे यूज होगा, कितना होगा, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट और नो डिबेट्स ऑन दैट, लेकिन होगा वो पक्का है ठीक है. और मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी आके 2-4 बातें सुनी, वीडियो देखा, तो मेरा भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है कि कुछ सीखा मैंने आज. सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वरना आज मार्केट में क्रॉसवर्ड से लेके जितनी भी बड़ी ब्रांड्स आप देख लो, बुक्स भरी पड़ी है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर्स, बेस्ट सेलिंग बोलते हैं और सीक्रेट भी बोलते हैं. पूरी दुनिया के पास वो पता है, लेकिन उसको फिर भी सीक्रेट बोल के बेचा जाता है. यस और नो, जनरल ऑब्जर्वेशन ठीक है. सीक्रेट ऑफ हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर नाउ इन स्टैंड्स वन ऑफ द बेस्ट, 13 मिलियन कॉपी सोल्ड. लेकिन अगर हम उसको देखेंगे जिसने लिया है, एक सिंपल लॉजिक है, अगर मैं ये किताब खरीद रहा हूं तो वो किताब का कंटेंट या टॉपिक देके खरीदूंगा, ट्रेलर देख के मूवी देखने जाते हैं, सिंपल है. अगर ट्रेलर देख के मूवी देखने जाते हैं, किताब को अगर वो खरीदी है तो वो मिलियनर बनने के लिए खरीदी है. अच्छा अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं हम, तो 13 मिलियन कॉपी सोल्ड वर्ल्ड वाइड, तो स्टेटिस्टिक्स में 13 मिलियन ना सही, मैं कहता हूँ 6 मिलियन तो मिलियनर्स होने चाहिए, न्यू मिलियनर्स, ऐसा नहीं होता है. और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ गलतियां जो मैंने की, स्टार्टिंग विद द मिस्टेक व्हिच आई मेड, सो दैट यू डू नॉट मेक दैट मिस्टेक एंड पे द प्राइस एंड दैट टाइम विल बी देयर. कि कुछ चीजों को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ले रहते हैं, ग्रू या कर लेते हैं कि नहीं यार ठीक है ये तो
जैसे मुझे किसी ने बोला था, बोले सर आप तो छोटी मोटी ट्रेनिंग्स तो नहीं करते होंगे ना, अब वो इमेज ऐसी थोड़ी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं बिजनेस पे आ रहा था, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। बोले वो गोल सेटिंग, सॉफ्ट स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन ये सब तो नहीं करते होंगे ना। मैंने बोला सर आपको दो चार ट्रेनिंग है, किसने बोला नहीं करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। अब पॉइंट ये नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोला, पॉइंट ये था उनके लिए कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स है, जबकि ये एक्चुअली एक आधार है। अगर आपको एक एडवांस लेवल पे इमारत खड़ी करनी है तो ये आपका एक आधार है। जब हम जो इम्पोर्टेंट चीजें उन्हीं को लाइटली लेते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जहाँ से हमारा दीवार से सर टकराता है, और सर टकरा के हम गिर नहीं जाते, लेकिन उसमें से उठ के, उस सदमे से बाहर आके हम फिर से रिचार्ज होके जब फुल फ्रेश एनर्जी के साथ और वापस जाते हैं ना, वो टाइम जो होता है ना, उस टाइम में बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। अगर हम लोग गेम खेलते हैं, अगर कोई कंप्यूटर्स पे या मोबाइल पे, तो उसमें मैंने बहुत गेम्स आते हैं जिसमें आपको लाइफ मिलती थी और हेल्थ का भी एक आता था। आपके पास हथियार है, आपके पास लाइफ है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो वो हेल्थ जब तक नहीं आती तब तक वो ठीक से शूट नहीं कर पाता था। तो दुश्मन उतना ही है, उसके पास एम्यूनेशन भी है, आर्म्स भी है, लेकिन वो हेल्थ वाला डोर नहीं खुलता है ना जब तक। सो उसको चोट लगी है, तो जब तक वो चोट ठीक नहीं होती, जब तक वो तैयार नहीं होता है मार्केट के लिए या लड़ाई के लिए, तब तक उसकी रियल पोटेंशियल बाहर नहीं आती है। और यही चीज आज का हमारा पूरा थीम रह रहा है। थीम बहुत क्लियर है, द कम्युनिकेशन पार्ट। और इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई कि मैं आई नॉट नेम हु हैज सेड दिस, बट पॉइंट इज what is the learning behind that? Don't take for granted anything which comes your way. दो घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा सेशन है, कुछ सुनने को मिल रहा है, उसमें से कुछ निकलेगा, काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। गीता में लिखा हुआ है, किया हुआ कभी कुछ व्यर्थ नहीं गया है आज तक। It is a different thing कि हमको कुछ पता नहीं चलता है। We don't have that eye to recognize the benefit what we have learned so far. और उसका अगर मैं सबसे बेस्ट, अगर मैं आई डोंट नो मूवी है या जो भी है, और उसका सबसे बेस्ट उदाहरण दूं, from which I am starting my contents today, is Slumdog Millionaire. सबने देखी है, ऑस्कर तक गई हो। वो questions, वो योग है, वो सबके साथ नहीं होता है, और वो questions ऐसे पूछे गए जो उसकी लाइफ में घटनाएं घटी, उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, उसने सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं कुछ देखा होगा, और वही रिलेटेड क्वेश्चन आया, उसने उसका जवाब दिया। एवरीबडी कैन डाउट, बोले इसको सारी चीजें अलग अलग दिशा में कैसे मालूम है, पर एक्चुअली वैसा था नहीं कुछ, वो सिर्फ उसके लाइफ में जो हुआ, उसने कहीं कुछ छोटा मोटा सीखा, वो उसको वहां काम लग गया। तो कम्युनिकेशन भी है, ऐसा मत सोचिए कि कॉमन टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक नहीं है तो हमने ये ले लिया। नो, इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि एक बेस है दो चीजों का। सबसे पहला कि आपके क्लाइंट्स आपके पास जुड़े रहे, और दूसरा वो आपको रिफर भी करें। नए क्लाइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं ना, तो दे विल स्टार्ट रिफरिंग यू। और जब हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें करना क्या है, उसी पे अभी मैं बात कर रहा हूँ। जब तक मैं आपकी कोई काम की चीज आप तक नहीं पहुंचाऊंगा ना, मेरा यहाँ खड़े रहकर बात करना व्यर्थ है। मैं इस मान्यता से बात शुरू करता हूँ, वो बात आप तक पहुंचेगी भी सही, और उस बात का यूज करके आपको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। तब जाके लगेगा भले एक घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग आए, लेकिन उस बात के आधार पे कहीं ना कहीं एक घंटे के सामने एक क्लाइंट भी आता है ना, आई थिंक दैट इज वर्थ। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करने हूं। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो राइट वर्ड है, सवाल ऐसा पूछो कि आपको जवाब कैसा चाहिए। Can start it with a kid also. एक पादरी था, प्रेयर चल रही थी, तो दो लोग वहां खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि यार प्रेयर तो लंबी चलती है। बोले हाँ प्रेयर तो लंबी चलेगी। बोले यार पर मुझे स्मोक करना है, आई एम अ चेन स्मोकर, मुझे स्मोक करना है तो मैं क्या करूँ। बोले नहीं यार तू चर्च में है तो यू नीड टू टेक अ परमिशन। जाके बात तो पूछ ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फादर ने बोल दिया था डोंट माइंड, जाके पूछता है उसको। भाई उस चेहरा लेके वापस आ गया, डांट दिया, फटकार दिया।